अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम आपके बीच में लेकर आए 5 राज्यों की विशेष खबरें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंडीगढ़ प्रशासक बीपी सिंह बदनौर ने परेड ग्राउंड में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। चंडीगढ़ सेक्टर 22 में युवक ने 2 युवतियों का किया बेरहमी से कत्ल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। हाई कोर्ट ने वकीलों से कहा, अगर हिम्मत है तो विधानसभा या सीएम निवास का घेराव करें। अटारी बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी में गूंजे जय घोष के नारे। कैप्टन सरकार की भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू। जिला कुल्लू में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुआ शक्ति स्क्वायड का गठन। महिलाओं की सुरक्षा में होगी तनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आजादी के दिन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगले साल से दिल्ली में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने परेड की सलामी लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले नागरिकों और पुलिस अफसरों को प्रशंसा पत्र और मेडल से नवाजा। सेक्टर 22 इलाके में पीजी में रहने वाली 2 सगी बहनों का रक्षाबंधन के दिन मर्डर कर दिया गया। घटना सुबह 5:30 बजे की है, जब उन्हीं के दोस्त ने चाकू और नुकीली चीजों से मर्डर कर दिया। दोनों बहनों के शव बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पड़े थे। मृतक बहनों की पहचान फजलिका की रहने वाली राजवंत कौर और मनप्रीत कौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजवंत बड़ी है और आरोपी की उसी के साथ जान पहचान थी। 73वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरा हरियाणा देशभक्ति की लहर में डूबा रहा। राज्य में जगह जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। मुख्य राज्य स्तरीय समारोह सोनीपत में हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कर सलामी ली। उधर दूसरी तरफ राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण के गठन के विरोध में गेट नंबर 1 पर धरना दे रहे वकीलों के प्रति पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कड़ा होता जा रहा है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने बार एसोसिएशन को कहा कि वकील गेट के 1 के पास लगा धरना हटा लें और प्रदर्शन के तरीके को बदलें। कोर्ट ने कहा कि अगर वकीलों में हिम्मत है तो वे हरियाणा विधानसभा या सीएम निवास का घेराव करें, तब उन्हें पता चलेगा। साथ ही कहा कि अगर बार ऐसा नहीं करेगी तो कोर्ट को मजबूरन चंडीगढ़ प्रशासन को इसका बाबत आदेश देना पड़ेगा। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के घोष से गूंजा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी बाघा सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी में देशभक्ति की धारा बह उठी। पूरा माहौल अद्भुत था। स्टैंडों में खचाखच भरे लोग राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए जयघोष कर रहे थे। इस परेड में शामिल जवानों और कार्यक्रम पेश कर रहे कलाकार जोश से भर जाते थे। सीमा पर पहुंचने वाले लोगों में पंजाब ही नहीं दूसरे प्रदेश के लोग भी थे। पंजाब में अब भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड कर रख कर लंबे समय तक जांच प्रक्रिया में उलझाने के मूड में है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार राज्य सरकार ऐसी नीति पर विचार कर रही है कि विजिलेंस ट्रैप के दौरान रंगे हाथ दबोचे जाने वाले रिश्वतखोर कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर घर भेज दिया जाएगा। नारी को शक्ति का रूप माना गया है और अब इस नारी की सुरक्षा कुल्लू में शक्ति स्क्वाड करेगा। SP कुल्लू ने जिला में सक्षम महिला पुलिस कर्मियों की टीम तैयार की है, जो बाइक व पेट्रोलिंग कर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पुख्ता करेगी। राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार के खजाने पर 260 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। 9वीं और 10वीं के बच्चों को मुफ्त किताबें देने का ऐलान भी किया गया। 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर गूंजे भारत देश के प्रधानमंत्री। इस दौरान सुबह लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35, 3 तलाक, आतंकवाद, विकास, गरीबी समेत अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगले साल से देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को देश पर गर्व करना, देश की समस्याओं के समाधान में जिम्मेदारी लेना और देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा सिखाया जाएगा। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए देश भर से लोगों के इनपुट लिए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।